Hey guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about PNB Housing Finance. So this is the last of the five housing finance companies that I'm tracking और इसका वर्कशॉप बना रहा हूँ. So PNB Housing Finance के बारे में अगर थोड़ा बोलू तो पहले उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा समझ लेते हैं. तो इनका इनका अगर आप देखोगे, इनका एक रिटेल होम लोन का एक बुक है, ठीक है, और दूसरा है एक कॉर्पोरेट बुक है, ठीक है. लेकिन इनका अगर आप देखोगे, इनका जो कॉर्पोरेट बुक है दैट हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल लेटली. मतलब उनका जो कॉर्पोरेट बुक था वो कॉर्पोरेट बुक का एनपीए था कुछ नॉर्थ ऑफ 30%. जीएनपीए का बात कर रहे हो, एसेट क्वालिटी इतना खराब था, ठीक है. मतलब 100 रुपए में, अगर मैं 100 रुपए का बात करूं तो 30 रुपीज का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ठीक है. सो कॉर्पोरेट लोन बुक को घटाने का डिसीजन ले लिया, ठीक है. यहाँ पे कॉर्पोरेट में, यहाँ पे सोचो फॉर एग्जांपल ये बिल्डर फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, वो सब चीजों में ये लोग पैसा देते थे. लेकिन अभी ये क्या किया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने क्या किया, कॉर्पोरेट बुक को घटा रहा है. नो, अभी अभी आप देखिए, जो जो आपका बेकार वाला बुक था, जो वो कॉर्पोरेट वाला बुक था, उसको घटा रहा है और वो रिटेल होम लोन्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जहां पे एसेट क्वालिटी अच्छा है, ठीक है. अब सिंस कॉर्पोरेट लोन बुक को आप घटा रहे हो, आप उस बुक को बेच रहे हो, किसी और को दे रहे हो, तो आपका एनपीए का नंबर भी घट रहा है, करेक्ट. तो इसीलिए अगर आप देखोगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो अभी जो एनपीए नंबर है वो कुछ 1.7% है, ग्रॉस एनपीए ऑन अ नेट बेसिस, ठीक है. तो अगर ग्रॉस एनपीए अभी 1.7 है, बट पिछले साल इट वाज अराउंड 6%, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे वो कॉर्पोरेट बुक था एक बड़ा बुक. बट अभी अगर आप देखोगे, कॉर्पोरेट बुक हैज कम डाउन बाय 60%. कॉर्पोरेट बुक का जो साइज है दैट हैज कम डाउन बाय 60%. और नाउ 96% ऑफ द टोटल लोन बुक ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इज रिटेल, ठीक है. और ये जो रिटेल वाला पार्ट ऑफ द बुक है दैट इज गोइंग अप एट अराउंड 12 or 13% के आसपास होगा ऑन अ वाईओवाई बेसिस, ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, द ओवरऑल एयूएम और द ओवरऑल लोन बुक ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इज ओनली 5% का ग्रोथ वाईओवाई. व्हाई? बिकॉज कॉर्पोरेट का बुक तो घट, इसी वजह से. गॉट इट? सो मैनेजमेंट ने यही बताया कि गोइंग फॉरवर्ड द पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ विल गो अप, राइट? बिकॉज़ मैनेजमेंट ने बोला है कि फॉर H2 ऑफ FY24, मतलब अगले का दो क्वार्टर आने वाला है, Q3 एंड Q4 को अगर आप मिला के सोचोगे तो अराउंड 18-22% का ग्रोथ आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिसबर्सल कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, बिकॉज़ कॉर्पोरेट बुक का जो ये पेन एंड प्रॉब्लम था वो मोटा-मोटी खत्म हो चुका है, ठीक है. अब दूसरे एंगल से अगर मैं आपको बात करूं के इस कंपनी का, और अगर मैं देखता हूँ कि लाइक ये अपने अपने जो जो आरओई का नंबर है, राइट, ये आरओई का नंबर बेटर होनी चाहिए, बिकॉज आरओई का नंबर इंपैक्टेड हुआ था बिकॉज ऑफ इतने सारे बैड लोन्स एंड हाई प्रोविजंस, राइट. बिकॉज जितने बैड लोन्स उतना हाई प्रोविजन, राइट, जितना हाई प्रोविजन उतना कम प्रॉफिट, जितना कम प्रॉफिट तो उतना कम आरओई, बिकॉज आरओई का न्यूमरेटर क्या है, आपका नेट इनकम. तो गोइंग फॉरवर्ड आई वॉन्ट द आरओई का नंबर टू गो अप, जो कि सिर्फ 11% के आसपास है. आरओई का नंबर 2% है, विच इज गुड, बिकॉज यहाँ पे इनका गियरिंग रेशियो हाई है. गियरिंग का मतलब है डेट टू इक्विटी. इनका लेवरेज्ड बिजनेस है, 3.74 टाइम्स लेवरेज लेके ये काम करता है, ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, इनका 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 एफिशिएंसी को अभी बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट द आरओई नंबर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कैन इंच अप टू नॉर्थ ऑफ 15% के आसपास. बिकॉज अगर मैं देखूं कि जो दूसरा जो कंपनीज मैंने ट्रैक किया, राइट, अगर आप देखोगे द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैव अ हायर आरओई, ठीक है, तो उनका हायर आरओई होता है बिकॉज दे आर बेटर मैनेज्ड कंपनीज देन द लाइक्स ऑफ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज इनका तो ऑफकोर्स इनका पेरेंट सरकारी कंपनीज है. बट हैविंग सेड दैट, के लाइक अगर मुझे मैं अगर देखता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो तीन प्राइवेट जो कंपनी हमने डिस्कस किया, उनका जो आरओई का नंबर है दैट इज बिटवीन 13-17% के आसपास, ठीक है. मतलब ये होम फर्स्ट, आवास एंड एप्टस हो गया. लेकिन यहाँ पे अगर मैं अगर देखू एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इनका आरओई नंबर इज लेस देन 15 के नीचे. मतलब अब देखोगे जैसे इसका 11% है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी कुछ 12% के आसपास है. सो दीज टू कंपनीज लाइक एलआईसी एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आरओई का नंबर हैज टू गो अप, राइट. तो अभी ये दोनों थोड़े बहुत प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, बट होपफुली ये निकल पाएंगे अगले क्वार्टर में, देखते हैं कि कैसे रिजल्ट करते हैं. दूसरे साइड में अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं कि लाइक ये जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो बुक है, जो कॉर्पोरेट का बुक है, ये घटा के जीरो कर देगा और सिर्फ रिटेल में ही फोकस करेगा. नहीं, ये लोग अपना कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक को रखेंगे और इसको बाद में जाके बढ़ाएंगे, बट दे विल बी मोर सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू चूजिंग देयर बिल्डर्स. मतलब कौन से बिल्डर लोन देने वाले हैं, राइट, बिकॉज पहले बार यही देख के ये लोग फंसे थे. बट इस टाइम लेट्स होप दैट दे कैन डू अ बेटर जॉब देन दे डिड द लास्ट टाइम. बट अगेन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, ओनली टाइम विल टेल. आगे का एसेट क्वालिटी का ट्रेंड देखना पड़ेगा किस तरह से जा रहा है Q3 Q4 में. और मैनेजमेंट ने जो बताया कि लाइक डिसबर्सल्स विल ग्रो 20%, राइट, इन H2. सो देखना पड़ेगा ये डिसबर्सल इन 20% का ये ग्रोथ ओवर
लास्ट ईयर, ये कर पाता है कि नहीं, एंड इंप्रूव द एसेट क्वालिटी अलॉन्ग द वे. सो हैविंग सेड दैट, आई कवर्ड द ऑल द फाइव कंपनीज. आपको आई गेस एक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल में 5 वीडियोस मिल चुका है अलग से. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि लाइक के मैंने हर कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से डिस्कस किया. ये जो कंपनीज है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवरऑल स्पेस का बात करूं तो आई नीड अ हायर आरओई नंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, मुझे किसी का 20-25% का आरओई दिखता नहीं है, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आरओई का नंबर हाई नहीं है तो आइदर आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो या फिर फॉर एग्जाम्पल से इतना सारा कैश लेके बैठे हो. वो तो मुझे थोड़ा कंप्लेन है टुवर्ड द 3 अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और LIC और PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को तो आई वोंट टच. आई जस्ट वोंट टच बिकॉज एक का तो कॉर्पोरेट बुक का लोचा ये खत्म हुआ. अभी देखते हैं कि रिटेल कैसे करेगा व्हेन इट कम्स टू पीएनबी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का तो मतलब लाइक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. डिसबर्सल घट बढ़ गया है, सिर्फ उम्मीद पे मैनेजमेंट टिका हुआ है इसे कि लाइक नेक्स्ट मतलब H2 में ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट, राइट? सो ऐसे स्टॉक्स को मतलब ये प्राइस टू बुक ऑफ लेस देन 1 में लेना और फिर यू नो मतलब ये सब क्यों करनी है, बट जबकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे मौका है स्टॉक मार्केट में, राइट? सो एनी विच वे कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, बट ठीक है. आई होप आपने सीखा, आपने जाना. कोई आपको हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड और भी, क्योंकि देखिए और भी बहुत सारे कंपनीज है इधर उधर करके, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि लाइक मैं हर कंपनी को ट्रैक करूं. तो अब जो बोलते हैं ना सर ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप देख रहे हो मैं कौन कौन से पैरामीटर्स पे बात करता हूँ, राइट? अब यही पैरामीटर्स को देख के पीपीटी खोलो, कौन कॉल पढ़ो, राइट? पैरामीटर्स क्या क्या है आपको देखना पड़ेगा, लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ क्या है, लोन बुक का ब्रेकअप क्या है, कौन से जगह से चालू हुआ है, कौन कौन से ज्योग्राफीज में है, तो आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस मॉडल. पीपीटी में तो ये पहला 4-5 स्लाइड में ये सब दे देता है. फिर उसके बाद अब देखो कि एसेट क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एसेट क्वालिटी देखो, GNPA, NNPA, फिर आप देखो कि स्लिपेज रेशियो क्या है, फिर आपको DPD बकेट्स देखना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद आप धीरे धीरे करके अब इस तरफ आओ. प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में आप देखोगे कि लाइक आरओए आरओई का नंबर, आरओई का ट्रेंड देखो, राइट? फिर उसके बाद आप देखो कि गियरिंग रेशियो किस तरफ जा रहा है. फिर उसके बाद मतलब अगर आरओई ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कंपनी ऑन नेट नेट बेसिस कुछ इंप्रूव कर नहीं रहा है, ठीक है? और आरओई अगर आप देखोगे ऊपर जा रहा है तो अगर आप बाकी पैरामीटर्स भी भूल जाओगे, अगर आरओई का नंबर इज गोइंग अप दैट मींस यू नो ऑन अ नेट नेट बेसिस कंपनी अच्छा कर रहा है. फिर आप नीम्स देख सकते हो, स्प्रेड देखो, राइट? फिर आप देखो कि ये जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया है आज पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में, इस पे क्या NIMs पे कंप्रेशन आ रहा है कि नहीं. एंड देन ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का गाइडेंस सुनो, बिकॉज अगर गाइडेंस बुरा है, से फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप देखोगे मैं ये LIC हाउसिंग फाइनेंस को टच नहीं करता, सिर्फ अगर मैं ये सवाल पूछता कि भाई बता दो गाइडेंस क्या है, और उनका गाइडेंस है कि 10% का ग्रोथ हमें मिलने वाला है, राइट? तो 10% ग्रोथ के लिए मैं तो आ नहीं रहा हूँ मार्केट में, है ना? मुझे तो मार्केट में अगर मुझे 10% 8% का ग्रोथ चाहिए तो मैं बाहर FD ना कर लूँ, है ना? तो यहाँ अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे को कंपनी को 25-30% का मुझे ग्रोथ चाहिए, नहीं तो मैं स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा हूँ, राइट? सो यही सारी चीजें है, राइट? और मैनेजमेंट का देखिए, टोन देखिए, टोन पढ़िए, राइट? और अपना जो भी कंपनीज को आपको एक्स्ट्रा ट्रैक करनी है, ये करने में 15-20 मिनट मैक्सिमम लगता है. अब देखोगे इसलिए मेरा वीडियो भी 5-10 मिनट में हर खत्म हो जाता है ना? सो यही पॉइंट है, ये हर क्वार्टर में करते जाना है, ट्रैक करते जाना है, और जितना आप ट्रैक करोगे आपको उतना मौका मिलेगा, राइट? और उस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को आप बना सकते हो और उसको चेंजेस कर सकते हो. सो एनी विच वे, कोई अगर डाउट हुआ, क्वेश्चन हुआ, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. थैंक यू सो मच.